हाय दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हाई पावर रेगुलेटर सर्किट, जो कि बहुत ही पावरफुल सर्किट है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो ये सर्किट को आप बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो मैं राजू और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। तो चले इस सर्किट को बनाना सीखते हैं। तो हमें चाहिए मेन पावर ट्रांजिस्टर, जो कि 2SC5200 ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, जो कि एक पावर ट्रांजिस्टर है। और हमें चाहिए एक हीट सिंक। तो मैंने एक हीट सिंक लिया है और इस पे हम इस पावर ट्रांजिस्टर को लगा लेंगे, ताकि जब ये गर्म हो जाए तो हीट सिंक से इसे ठंडा रखा जा सके। तो मैं इसे फटाफट से इस हीट सिंक पे कस लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये बनके रेडी हो गया है। अब हम लेंगे एक पॉट जो कि 100K का है। तो मैंने 100K का एक पॉट ले लिया है। इसे हम हीट सिंक पे ग्लू के मदद से इसे चिपका लेंगे, ताकि हमें वायरिंग करने में आसानी हो जाए। तो मैंने इसे इस तरह से इसे हीट सिंक पे ग्लू से चिपका लिया है। अब हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसे हम पॉट के बीच वाले लेग पे कनेक्ट कर देंगे और ट्रांजिस्टर की पहली लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम जो ट्रांजिस्टर की दूसरी लेग है, इसे हम थोड़ा मोड़ लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे मोड़ लिया है। अब हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसे हम पॉट की तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और पावर ट्रांजिस्टर की दूसरी लेग पे इसे शोल्डर कर देंगे। तो इस तरह से यह हमारा कनेक्शन हो जाएगा। और जो हमने वायर कनेक्ट किया है, इसका जो एक्स्ट्रा लेग है, इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से यह कनेक्शन हो जाएगा। अब हम लेंगे 10K रेजिस्टेंस, जो कि हाफ वाट का लिया है। आप चाहे तो 1 वाट का भी ले सकते हैं। तो इसे हम पॉट के पहले और तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने इसे इस तरह से शोल्डर कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम और एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसे हम पॉट की पहली लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसे हम ट्रांजिस्टर की बीच वाली लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम लेंगे IN5408 डायोड। तो मैं इसे पॉजिटिव सिरा इसका ट्रांजिस्टर के तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे डायोड को कनेक्ट कर दिया है। अब हम एक वायर का टुकड़ा लेके पॉट की पहली लेग को और डायोड के नेगेटिव को इस तरह से आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे और पॉट की पहली लेग पे इसे कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसे हम ट्रांजिस्टर की तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। और एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसे हम डायोड के नेगेटिव पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो ये अब हमारा सर्किट पूरी तरह से बनके रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। इस तरह से हमें इसे बना लेना है। और आप देख सकते हैं इसके ये इनपुट और ये आउटपुट है। तो इस तरह से यह हमारा सर्किट बन के रेडी है। अब हम इसको पॉट को एक नॉब लगा देंगे, ताकि हमें वोल्टेज एडजस्ट करने में आसानी हो जाए। तो मैं फटाफट से एक नॉब को इसे पॉट पे इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये सर्किट अभी बन के रेडी है। अब इसका हम आपको सर्किट डायग्राम मैंने दे दिया है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम इसका मैंने 12 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये लोड नहीं, इसलिए इस पर अभी 20 वोल्ट दिखा रहा है। तो एक 20 वोल्ट इसका इनपुट है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको आउटपुट का
इसका चेक करके दिखाता हूँ। तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं अभी जीरो है, और जैसे आप पॉट को घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं वैसे ही ये वोल्टेज इंक्रीज होता चला जाएगा, और ये बहुत ही स्मूथली वर्क करता है आप देख सकते हैं, और बहुत ही पावरफुल ये सर्किट है। तो आप इसे बना सकते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट में इसका यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने इसे मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया है ताकि मैं जो लोड लगाऊंगा तो आपको इसमें वोल्टेज भी दिखाई दे। तो आपको देख सकते हैं ये मैंने मल्टीमीटर को इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस सर्किट पे एक लोड लगा के देखेंगे। तो मैंने एक एलईडी लिया है जो कि 12 वोल्ट का है और 2 वाट का है, तो हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो फटाफट से मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। जो हमने आउटपुट के लिए वायर निकाले थे आप देख सकते हैं मैंने ये कनेक्शन कर दिया है। अब जैसे हम पॉट को धीरे धीरे घुमाएंगे तो आप मल्टीमीटर पे वोल्टेज भी देख सकते हैं। जैसे वोल्टेज इंक्रीज होंगे तो एलईडी भी ब्राइट होता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्मूथली एलईडी को आप लगा के वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप ये बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। तो अब हम एलईडी लगा के देख चुके हैं, अब थोड़ा हम दूसरा लोड लगा के देखेंगे। तो अब मैं इसका एलईडी निकाल रहा हूं। अब मैं एक 12 वोल्ट 10 वाट का बल्ब ले रहा हूं जो कि फिलामेंट का बल्ब है। तो आप देख सकते हैं इसका मैं कनेक्शन कर देता हूं। अब जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं ये आसानी से ग्लो हो रहा है। तो इस तरह से आप ये ऐसा बल्ब भी लगा के इस सर्किट पे यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से इस पे वर्क कर रहा है और बहुत ही स्मूथली ये वर्क कर रहा है, और जो पावर ट्रांजिस्टर है थोड़ा भी हीट नहीं हो रहा है क्योंकि ये लोड इसे आसानी से चल रहा है। अब हम दूसरा लोड लगा के देखेंगे। तो मैंने एक डीसी मोटर लिया है जो कि 3 से 9 वोल्ट तक चलता है। तो मैं इसे अभी कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं, जैसे वोल्टेज आप देख सकते हैं कि ये 1 वोल्ट पे आराम से चल रहा है। जैसे मैं इसका वोल्टेज कम कर देता हूँ देख सकते हैं अब 0.7 वोल्ट पे भी ये मोटर आसानी से चल रहा है। तो इतना ही है, आप इससे बहुत ही स्मूथली वोल्टेज को आप देख सकते हैं 0.2 वोल्ट तक इसका आउटपुट निकल रहा है। तो ये बहुत ही स्मूथली वर्क करता है और बहुत ही अच्छे से ये वोल्टेज को आप अप डाउन कर सकता है। तो मैं इसे आप थोड़ा लोड बढ़ाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं 775 मोटर है जो कि ये बहुत पावरफुल मोटर है। इसे आप हम लगा के देखेंगे। तो मैं इसे फटाफट से कनेक्शन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब हम पॉट को घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे पॉट को धीरे धीरे घुमा रहा हूँ तो इसका वोल्टेज बढ़ना चालू हो गया है। आप देख सकते हैं मोटर बहुत ही आसानी से घूम रही है, और जितना चाहे उतना आप वोल्टेज को एडजस्ट करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये वोल्टेज बढ़ा दिया है, आप कम करके दिखाता हूँ। और ट्रांजिस्टर बहुत ही नॉर्मल है, कोई हीटिंग इश्यू नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप इस पे लोड लगा के इसका यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने वोल्टेज कम कर दिया है और मोटर बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से यह सर्किट वर्क करता है, और ऐसे सर्किट आप बना के बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं ऐसे वीडियो अपने चैनल में बार बार लाता रहता हूँ जिससे कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट घर में बना सके और कुछ नया सीख सके। तो थैंक यू।